बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू में जहां बादल फटा, 5 लोग लापता है, वहीं शिमला में एक बच्ची के मलबे में दबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नदियों के किनारे न जाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में कुछ परेशानियां जरूर होती है। पिछले कुछ दिनों से मानसून रफ्तार पकड़ता जा रहा है, उसी दृष्टि से जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहना भी जरूरी है और जिला प्रशासन को अलर्ट में रखा गया है। आज जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है तो वहां पर तुरंत कार्यवाही की दृष्टि से जो भी किया जाना चाहिए वह किया जाए, उसमें कोई भी देरी ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था, बरसात के कारण सड़क में जो मलबा गिरा था, यदि समय रहते उसे हटा दिया जाता तो ऐसी घटना सामने नहीं आती, लेकिन बस के ड्राइवर ने जबरदस्ती वहां से बस को निकालने की कोशिश की, जिस कारण बस गिर गई और जिसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन ऐसी घटना आगे ना हो, जिसके लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। यदि सड़क में मलबा हो तो उसे तुरंत साफ किया जाए ताकि घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, बरसात के मौसम में हमारे लिए थोड़ी परेशानी जरूर होती है, हिमाचल प्रदेश में हर बार होती है, और पिछले कुछ दिनों से मानसून जैसा तेजी पकड़ता जा रहा है, घटनाओं का क्रम भी बढ़ता जा रहा है। उस दृष्टि से हमको अलर्ट पर रहना चाहिए। पहले भी हमने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा ही है, लेकिन आज मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और इस चीज़ के लिए इंश्योर किया है कि आने वाले समय में इस बरसात के मौसम में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की दृष्टि से जो भी उचित करने का है वो किया जाए, विलम्ब ना हो उसमें, और रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष तौर से उसकी लिए जो है वो हमारी तैयारी उस तरह से हो ताकि समय पर हम सारी कार्रवाई को पूरा कर सकें। हाल ही में कुल्लू में बस का एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें भी हालांकि वो बरसात के कारण हुआ ऐसा भी नहीं हम कह सकते, लेकिन बरसात के कारण जो मलबा सड़क पर गिरा था उसको समय पर अगर उठा देते तो शायद उस तरह की घटना नहीं घटित होती, और ड्राइवर ने वहाँ से ज़बरदस्ती गाड़ी निकालने की कोशिश की और गाड़ी नीचे गिर गई, 13 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई। तो ऐसी घटनाएं ना घटित हों, जहाँ भी सड़क अगर अवरुद्ध होती है किसी लैंडस्लाइड के कारण, पत्थर गिरने से या मलबा गिरने से, तो उसको तुरंत रिस्टोर करने के लिए हमने कहा है ताकि आवाजाही प्रभावित ना हो और इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित होने से हम उनको रोक सकें। उस दृष्टि से हमने आज बात कही। आज शिमला में भी एक घटना घटित हुई है, ढली में एक बेटी की जान उसमें गई है और 2 लोग उसमें घायल हैं, 2 इसमें तो उनके लिए वो हॉस्पिटल ले गए हैं, वो तो ठीक हैं ऐसा बताया गया है मुझे। और इसी तरह से आज कुल्लू में भी घटना घटित हुई, 5 लोग उसमें मिसिंग है, लेकिन इसके साथ एक और घटना कुल्लू में घटित हुई जो जानकारी मिली कि 3 लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हुए गाड़ी नीचे गिर गई है, उसमें से 2 लोग और मिसिंग हैं। तो ये घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जब होता है तो स्वाभाविक रूप से हमको भी चिंता होती है, तो हम प्रशासन को आज ये कहें कि कम से कम हम कोशिश करें कि जहाँ भी इस प्रकार की घटना हो तो राहत कार्य को तेज़ी के साथ हम कर सकें जिंदगी को बचाने के लिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में ऐसा अभी तक इस तरह की बात कहना उचित नहीं होगा कि सभी जगह, लेकिन कुछ आइसोलेटेड जगह ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए कोशिश यही हमारी है कि हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो ऐसी जगह ना जाएं जहां पानी चढ़ने की संभावना है, जहां पर इस प्रकार की संभावना, लैंडस्लाइड की संभावना है, उन सारी जगह पर थोड़ा सा परहेज करें, बाकी टूरिस्ट आए आनंद के साथ रहे। थैंक यू।